नागपूर लोकसभा मतदारसंघातील जनतेने तिसऱ्यांदा निवडून दिलं, त्यांनी दिलेल्या भरभरून प्रेमाची येत्या 5 वर्षात परतफेड करणार असं मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं. गडकरी यांच्या तिसऱ्यांदा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आल्यानंतर गुरुवारी सायंकाळी त्यांचे नागपुरात आगमन झाले. विमानतळावर त्यांचे स्वागत केल्यानंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. और स्वाभाविक रूप से ये घटना के कारण निश्चित रूप में पूरे नागपुर की जनता को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है, मुझे भी हुआ है. और इसीलिए मैंने प्रार्थना की थी कि आज कोई मेरा स्वागत या कोई स्वागत यात्रा नहीं निकालूंगा. और मुझे बहुत दुख और दर्द है. मैं मृतात्मा जो है उनके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करता हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. सर, आपको एक मंत्रालय मिला, क्या कहोगे उस बारे में? ये तो अच्छा काम करेंगे. हमें 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं और ज्यादा करने की कोशिश. सर, तीसरे बार मंत्री बने, नागपुर शहर की जनता भी बहुत उत्साहित है आपको लेके. क्या जनता का प्रेम और विश्वास ये किसी भी राजनीतिक नेताओं के लिए सबसे बड़ी कुंजी होती है. और मैं भाग्यवान हूँ कि नागपुर की जनता ने तीसरी बार मुझे चुनकर दिया है. मैंने कभी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स पर आधारित कोई राजनीति नहीं की. सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास इसी बात पर काम किया. और मैं ये मानता हूँ कि नागपुर की जनता मेरी है और मैं नागपुर का हूँ. और नागपुर की जनता का प्रेम मैं कभी भूल नहीं सकता. पर इस जो प्रेम और विश्वास जताया है उसके लिए जनता की जो भी अपेक्षा है वो अभी तक जितना काम हो उससे ज्यादा अच्छा काम करके पूरी करने की मैं कोशिश करूँगा. सर, मंत्रालय आपने मांगा है या क्या? वो बाद में बताइए सर. मंत्रालय